नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। पुराने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए बुरी खबर है। जी हां, पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नवंबर से आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन निर्माताओं ने यूजर्स को ये सलाह दी है कि वो अपने डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दिए गए वर्जन में अपडेट करते रहें। अपडेट न करने वाले लोगों को या तो नया स्मार्टफोन खरीदना होगा या व्हाट्सएप के अलावा किसी और एप्लीकेशन की तलाश करनी होगी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नया मोबाइल खरीदने के लिए सिर्फ 2 महीने ही हैं। ऐसा नहीं करने पर वो अपने खातों तक पहुंच खो सकते हैं। अगर वो एक नया मोबाइल खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं खरीद सकते तो उन्हें परेशानी होगी। साथ ही ऐप बंद हो जाने पर यूजर्स अपनी पुरानी चैट को भी नहीं देख सकेंगे। बता दें कि 40 से ज्यादा मोबाइल फोन हैं जिन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। ये फोन iOS और एंड्रॉयड दोनों हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड 4.0.4 वर्जन और पुराने वेरिएंट चलाने वाले स्मार्टफोन यूजर्स को व्हाट्सएप सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। जब एप्पल की बात आती है तो iOS 9 पर चलने वाले आईफोन्स बूट हो जाएंगे, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S3 मिनी, ट्रेंड सेकेंड, ट्रेंड लाइट कोर, S2, LG ऑप्टिमस F7, F5, L3 सेकेंड ड्यूल, F7 सेकेंड, F5 सेकेंड, सोनी एक्सपीरिया, हुआवे एसेंट मैट और एसेंट D2, एप्पल आईफोन SE 6S और 6S प्लस पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस समय दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स करते हैं और कंपनी अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने और उन्हें नई सुविधाएं देने के लिए लगातार ऐप में अपडेट लाती रहती है। व्हाट्सएप के इतने सारे नए फीचर शुरू करने और कई और लॉन्च करने के लक्ष्य के साथ ये पुराने फ़ोन बेकार हो जाएंगे और ऐप को ठीक से चलाने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही व्हाट्सएप इन फ़ोनों को उचित सुरक्षा या एंड टू एंड इंक्रिप्शन सुविधा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।